और इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉली साइफोनिया, पॉली साइफोनिया। ठीक है, ये हमारे पास में दो एग्जाम्पल्स हो चुके हैं जो हम यहाँ पे आसानी से समझा सकते हैं। एक एग्जाम्पल चाहे बैटरी को स्पर्मम भी हम इसी में ऐड कर लेते हैं, पर ये हमारे काफ़ी है। पॉलीसाइफोनिया हमारे इस साल कोर्स में भी है तो हमारे लिए आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार ये डायग्राम्स मिटा के इन दोनों के डायग्राम्स आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहां हमारे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग डायग्राम्स में पॉलीसाइफोनिया ये डायग्राम इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अगर आप ढंग से देखें तो ये जो बीच में ब्लू दिखा देता हूँ इसको, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये तो हो गया सेंट्रल एक्सिस या मेन एक्सिस जो यहाँ पे एक ही है, और चारों तरफ जो है इसके कौन से हो गए लेटरल एक्सिस, तो इसको हम बोलेंगे यूनि एक्सियल, दैट इज इरेक्ट ब्रांच, और ये हो गए राइजॉइड्स। राइजॉइड्स एंड ठीक है, और इसकी अगर अपन बात करें तो दैट इज प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट को हम बोल सकते हैं शान और इरेक्ट को हम बोल सकते हैं उर्दू। ठीक है, राइजॉइड से एक तरीके से मूल आवास, ये हो गया पॉलीसाइफोनिया। लेमिनियन के अगर डायग्राम की बात करें तो लेमिनियन का डायग्राम थोड़ा अलग है, जिसमें बुशी टाइप की शेड्स जो अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश की थी क्लेमाइटिस टाइप, उस टाइप की संरचना जो यहाँ पे मिलेगा। हालांकि क्लेमाइटिस एल्गी का एग्जांपल नहीं है, क्लेमाइटिस जिम्नोस्पर्म्स का एक एनसीएनटी या क्या बोलते हैं पैलियोबोटनी का सदस्य है, लेकिन उसकी तरह बहुत ही ज़्यादा बुशी टाइप की संरचना जो उसकी दिखाई देती है, उतने बड़ा नहीं बहुत छोटा। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा आज। अब हम आते हैं साइफोन में, इसको मिटा देते हैं।
ठीक है, साइफोनस, साइफनी प्रकार का। एक सिंपल डायग्राम से इसको समझते हैं, एक कोशिका से क्या बनी, तंतु कोशिका बन रही है, ठीक है, और ये तंतु कोशिका जो है वो क्या हो रही है, ब्रांच बना रही है, ठीक है, ये तंतु कोशिका क्या बना रही, ब्रांच। अब इन सब के अंदर सेप्टा पाया जा रहा है, लेकिन अगर अपन कहे डेवलपमेंट के दौरान कोशिका विभाजित तो हुई लेकिन उनके बीच में पट नहीं बना, अगर हम इसमें पट का निर्माण ना करें किसी कारणवश, तो आप देखेंगे कि ये अपने आप में पूरे की पूरा एक पाइपलाइन होलो संरचना बन गई, इसको हम बोलते हैं साइफोन, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो विकास क्रम के अंदर जंतुओं में प्रोटोजोआ के बाद में जो पोरीफेरा के जो सदस्य थे उनको हम साइफोन या स्पंज के रूप में ही समझते थे, उसके बाद में सिलेंट्रेटा के अंदर आए तो उसके अंदर भी वो साइक्लोन स्पंज के टाइप में ही थे, जैसे कि हाइड्रा, क्लियर। तो ये बिल्कुल वही कैटेगरी हो गई, तो ये एक तरीके से कैसे हो गए, साइफोन जैसे, बस इतना सा अंतर हुआ है इसके अंदर। तो शाखित हैं लेकिन हिटरोट्राइकस हैं, क्योंकि अब ये साइफोनस हैं तो ये आधार से किसी न किसी चीज से जुड़े हुए रहेंगे, दैट इज होल्ड फॉर सेल, और ये हो गया इसके इरेक्ट ब्रांचेस, बात खत्म। तो ये सिंपल सा एग्जांपल्स के रूप में हम यहाँ पे समझे। तो साइफोनस के लिए अगर अपन बात करें तो इसमें सेप्टा नहीं है। अब एक चीज हो गई, सेप्टा नहीं है तो केंद्रकों के लिए फिक्स आवागमन नहीं है, इसका मतलब अगर हम कहें आपको दिख रही थी पहले कितनी कोशिकाएं थी, चार, ये चारों कोशिकाओं में मान लीजिए एक एक केंद्रक था, ठीक है, लेकिन अब सेप्टा नहीं है तो आपको ये दिख रही है एक ही कोशिका, ये कंप्लीट आपको एक ही कोशिका दिख रही है, और इस एक कोशिका में आपको कितने दिख रहे हैं, चार केंद्रक, तो आप क्या कहेंगे इसके अंदर चार केंद्रक हो गए, तो दैट कंडीशन इज मल्टी न्यूक्लिएट इन एनिमल्स। और अगर पादपों में ये कंडीशन दिख रही है तो दैट इज सिनोसाइट, ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसाइट, संकोशिक। संकोशिक, एक बार और हिंदी में लिख देता हूं ताकि याद रह जाए, बहु केंद्र केंद्रीय नहीं, बहु केंद्र की है। ठीक है, एक चीज जरूरी नहीं है सब में, लेकिन जैसे अगर अपन यहां पे एग्जांपल लेते हैं बेसिकली वाउचेरिया जो इस साल हमारे कोर्स में है, तो वाउचेरिया बेस्ट एग्जांपल है, और इसके लिए अगर हम कहें तो इसके केंद्रीय जो भाग है उसमें एक बड़ी वैक्यूल के रूप में होती है, और जो जीव द्रव्य है वो परिधि की ओर होता है, तो ये हम जीव द्रव्य को यहाँ दिखा देते हैं परिधि की ओर, ये केंद्रक है इसके अंदर, और इस दाब की वजह से परिधीय केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे हो जाते हैं चपटे, डिस्कॉइड तस्तरी के रूप में, गोलाकार संरचना के रूप में यहाँ पे पाए नहीं जाते, ठीक है, तो ये परिधि की ओर जीव द्रव्य इसका पूरा का पूरा जो है वो ढकेल दिया जाता है। और जैसे जैसे कोशिका, अगर अपन नवीन की बात करें तो नहीं, लेकिन अगर हम मैच्योर फिलामेंट की बात करें तो उसके अंदर जो है वो जीव द्रव्य की मात्रा परिधि की ओर ज़्यादा सरकती जाती है, और वैक्यूल का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें एक चीज़ और है, पट नहीं पाया जा रहा, लेकिन जनन के समय जब इसके अंदर गोनेडियल सेल्स विकसित होती हैं, एंथ्रिडियम या उगोनियम टाइप के सेल्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो उनकी मैच्योरिटी पे जो है इनमें क्या होते हैं, सेप्टा बनते हैं, जिसकी वजह से वो मेन थैलस से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। या जैसे अगर अपन बात करें एसेक्सुअल में भी अगर कोई गोनेडियल सेल्स डेवलप हो रही है स्पोरोगोनियम में, तो वहाँ पे भी इनमें सेप्टा बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पट्टों का निर्माण केवल और केवल जो है वो जनन काल में ही होता है, उसके अतिरिक्त नहीं होता है।
और भी अनेक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अपन यहाँ पे क्लारपा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्रोटोसाइफोन, लेकिन ये बहुत ही अजीब सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। दैट इज वाउचेरिया। ये हो गया प्रोटो साइफोन, प्रोटो साइफोन ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहां पे दे सकें तो क्लारपा थोड़ा सा एडवांस टाइप हमको दिख सकता है, लेकिन उसमें भी सूडो राइजोपोडियल टाइप, ठीक है। तो ये पट नहीं है इसके अंदर, जैसे अगर अपन कहें तो ये इस टाइप की संरचना हमको दिख रही है, जैसे कि कोई लीव जोन, जबकि एक्चुअली में दीज आर नॉट लीव, ये स्टिप्यूल्स टाइप संरचना होती है जो ग्रीन इन कलर एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट युक्त होती है। लेकिन जैसे अगर हम इनमें से पट हटा दें तो ये संरचना हमको देखने को मिलती है, तो ये एक तरीके से कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर के रूप में हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये हो गया, ठीक है, ये संरचना है यहां पे। स्टिप्योल युक्त इरेक्ट ब्रांचेस, ये हो गया इसकी बेसल सेल, जिसको हम प्रोस्ट्रेट फिलामेंट के रूप में भी जानते हैं, और दीज आर राइजॉइड्स। और यहां इसकी अगर अपन बात करें तो दैट इज बेसल सेल, और ये हो गया इरेक्ट ब्रांच। बॉटरीडियम का भी एग्जाम्पल है तो सेम ऐसा ही है, वही यूनिसेल्यूलर। दैट इज बॉटरीडियम। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हो गए किसके, साइफोनस टाइप के। तो यही सिंपल वे में लिख सकते हैं, और इससे ज्यादा हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ज़्यादातर ये शाखित होते हैं और दोनों टाइप की होल्ड फास्ट, मतलब आधार से जुड़े हुए फिलामेंट्स या जो फ्लैजिलाज है वो इनमें क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। और आकार में विविधता है, छोटे आकार से बड़े आकार तक यहाँ पे ये देखने को मिल रहे हैं। अब देख सकते हैं जैसे ये बिल्कुल आकार में हुई तो बहुत ही छोटा सूक्ष्म, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये आकार में बड़ा हो रहा है स्थार पे, लेकिन अगर अपन क्लारपा की, अच्छा लिखा नहीं, क्लारपा, अच्छा
नेक, पेरेन्काइमेटस, ये कंप्लीट हो गया। देन हम चलते हैं पेरेन्काइमेटस। जो फिलामेंट का हमने विभाजन किया ट्रांसवर्स, वही फिलामेंट अगर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडल विभाजन भी कर रहा है, ठीक है, ऑब्लिक विभाजन भी कर रहा है, तो इसकी वजह से वो कई बार एक आभासीय संरचना का आभास कराता है, जो ऐसा लगता है जैसे पत्ती के समान हो। ये यहाँ पे संरचना जो है बन चुकी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल्स। तो अगर हम समुद्री खरपतवार की बात करें तो एक एग्जांपल क्लोरोफाइसिका मेंबर ले सकते हैं, अलवा। ये पतली रिबन जैसी पत्तियां हैं जो कि जापान, चाइना, इंडोनेशिया, भारत के भी कुछ द्वीपीय समूह जो है उनके अंदर एक तरीके से सलाद के रूप में, इनको भोजन के रूप में यूज में लिया जाता है। तो सिंपल पत्ती जैसी संरचना के रूप में लंबी ज़्यादा हैं, ठीक है। और इसमें हम कोई शाखन वाखन या मिड रिब की बात नहीं कर सकते, ऐसे ही सिंपल दैट इज स्ट्रक्चर। जो समुद्र की लहरों के साथ इधर से उधर मूव करती रहती है, बिल्कुल पतली सी संरचना होती है, रिबन टाइप, दैट इज अल्वा। तो अगर अपन इस संरचना की बात करें तो जो हमको पत्ती जैसी संरचना दिख रही है, तो एल्गीज में इतनी बड़ी संरचना कैसे हुई, जब हम इसके अंदर ट्रांसवर्स विभाजन के साथ में लॉन्गिट्यूडल विभाजन भी शो कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से चारों तरफ घन आकार में वृद्धि ना होकर केवल और केवल लेटरल सरफेस में वृद्धि हुई है, एक ऊंचाई में और एक लेटरल सरफेस में, आगे पीछे की वृद्धि नहीं हुई, जिसकी वजह से मोटाई नहीं बढ़ी और ये पतली पत्ती के समान संरचना जो है वो कंप्लीटली क्या हो गई है, डेवलप हो गई है। इसी का अगर अपन एक वृहद रूप की हम बात करें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सार्गेसम का। सार्गेसम इससे ज्यादा और जटिल संरचना के रूप में हमको परिलक्षित होता है। जैसे लीव्स एंड लीव्स में पिटियोल स्ट्रक्चर्स होती है, सेम एडवांस स्ट्रक्चर्स के रूप में ये यहाँ पे दिखाई देते हैं, दैट इज सार्गेसम।
मतलब इसमें मेन एक्सिस इरेक्ट और उसकी जो सब एक्सियल या ब्रांचेज हैं वो लीफ लाइक संरचनाओं के रूप में परिलक्षित हो रही है, आकार में क्या हो जाती हैं बड़ी। यह भी एक सी वीड्स के रूप में या समुद्री खरपतवार के रूप में ही परिलक्षित होता है, डेट इज सार्गेसो। एक एग्जांपल और बना देते हैं, लैमिनेरिया, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है लेकिन उसकी जो ब्रांचेज हैं, मतलब एक्चुअली में जो लेटरल ब्रांचेज थी वो सेपरेट हो चुकी हैं, तो यही पत्ती जो है वो हमको क्या लग रही है, फटी हुई संरचना के रूप में या फिलामेंटस के रूप में ये दिखाई हमको दे रही है। लैमिनेरिया ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल्स हो गए किसके, पेरेन काइमेटस। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एक्विसीटम टाइप। एक्विसीटम में हम एग्जांपल लेते हैं कारा, बेस्ट एग्जांपल ये हमारे कोर्स में भी कारा, उसके अलावा हम नाइटेला का भी एग्जांपल ले सकते हैं। सिंपल डायग्रामेटिक तरीके से अगर अपन देखें तो एल्गीज में यही एक ऐसा सुकाय है जो स्पष्ट रूप से नोड इंटरनोड सेक्शंस में क्या है, विभेदित, ठीक है। और इसकी नोडल सेक्शन की अगर अपन बात करें तो मल्टी एक्सियल इसकी संरचना यहाँ पे दिखाई दे रही है और उस नोडल सेक्शन से ब्रांच निकलती हैं। एक्चुअली में ब्रांच नहीं कहेंगे हम, इसके ऊपर दो टाइप की ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, एक होती हैं लिमिट ग्रोथ ब्रांच जिसमें लगभग 5 से 7 नोड्स होते हैं और ये संख्या में नोड की परिधीय कोशिकाओं से विकसित होती हैं, ठीक है।
और उन्हीं में से कुछ ब्रांचेज, एक नोड पर से एक या दो ब्रांचेज जो हैं वो वृद्धि कर जाती हैं, इसलिए उन्हें अनिश्चित वृद्धि की शाखाएं कहते हैं। कारण कि उनमें, जैसे अभी अपन ने कहा लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच में 5 से 7 ही नोडल रीजन्स होंगे, यहाँ पे नोडल रीजन्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से इनकी वृद्धि अनिश्चित हो जाती है। तो असीमित वृद्धि की शाखाएं इनको हम बोलते हैं। तो एक तरीके से ढंग से देखें तो ये मेन एक्सिस की सब ब्रांच हो गई या लेटरल ब्रांच के रूप में परिलक्षित हो रही है। ठीक है, और इसका भी एडवांस ये है कि ये भी उसी मेन एक्सिस की तरह व्यवहार करते हुए इसका जो नोडल रीजन है उस पे से भी क्या हो रही है, वही लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज जो हैं वो निकल रही हैं, और उन्हीं में से कभी कभी ऐसा होता है कि अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज में डेवलप हो जाती हैं। लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच जो हैं वो सेक्स ऑर्गन्स धारण करती हैं, जबकि अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच जो हैं वो सेक्स ऑर्गन्स को धारण नहीं करती। ये है सिंपल स्ट्रक्चर किसकी, कारा की। तो ये जो लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज निकल रही हैं नोडल रीजन से, ये हमें लीफ का आभास कराती हैं, तो ये हमें लीफी स्ट्रक्चर के रूप में जो है वो दिखाई देती हैं। यहाँ मैंने बहुत छोटी छोटी दिखाई है नाइटेला टाइप, जैसे अगर अपन अकॉर्डिंग टू बुक चले तो ये लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच हो गई, इसके रेफरेंस में जब ये इतनी बड़ी है तो हाँ हम लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच को आराम से बड़ी दिखा सकते हैं। ये लीजिए और उन लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच जो है उन पे से भी क्या निकलेगी, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। सेम ये पैटर्न चलता ही रहेगा, और उन्हीं में से कुछ जो हैं वो क्या बना लेती हैं, अनलिमिटेड होकर आकार में वृद्धि कर लेती हैं। ये सेम ये कि ये संरचना जो है इसमें, तो बस एक यही इसकी विशेषता है। तो ये बिल्कुल इक्विसिटम के समान संरचना दिखाई देती है, क्योंकि नोड इंटर नोड सेक्शन में डिवीजन जो है वो एल्गीज एंड ब्रायोफाइट्स तक नहीं है, टेरोफाइट्स में है, और फिर इनका सबसे डेवलप्ड राइजोम सिस्टम, राइजोइड सिस्टम इसका काफ़ी शाखित और डेवलप्ड है बिल्कुल टेरिडोफाइट्स के समान। तो ये बिल्कुल जड़ तना पत्ती का आभास कराता है, ये कहीं से भी एल्गी, तो प्रारंभ में इसे एल्गी की जगह टेरिडोफाइट्स मानकर इक्विसीटम कुल के अंदर, इक्विसीटेल्स के अंदर जो ऑर्डर था उसके अंदर इसको परिलक्षित किया था। इसीलिए जब हम इसको एडवांस स्टडी के बाद जब लेके आया एल्गीज में कारा को, तो वहाँ पे इसको इन सारे में फ्लामेंटस में हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लामेंटस के समान है, लेकिन फ्लामेंटस की जगह फिर इसे एक अलग ही कैटेगरी डाल देगी, दैट इज इक्विसीटोइड, इक्विसीटम टाइप। तो इक्विसीटोइड लिख दीजिए या इक्विसीटम टाइप लिख दीजिए, सेम ही चीज यहाँ पे ये आती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, यहाँ पे हमने कंप्लीट थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको यहाँ पे समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो आज की क्लास में इतना।